पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। नशेबी इलाके ज़रियाब आने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी गलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर हो सकती है। कश्मीर डेरा गाजी खान मूसा खेल बारखान कोहलू और लोरालाई के मकामी नदी नालों में भी तुगयानी का खदशा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट एयरपोर्ट पर 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मंडी बहाउद्दीन 98 गुजरांवाला 82 और गुजरात में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से मौसम में कोई खास तब्दीली नहीं आई। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हब्स बढ़ चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस बताइएगा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था जो इस वक्त तो थम चुका है, मगर बारिश के बाद इस वक्त शहर में काफ़ी ज़्यादा हब्स है, हब्स की शिदत में इजाफा हो चुका है। शहर के जिन इलाकों में हल्की बारिश हुई थी उन इलाकों में मोची गेट का इलाका शामिल है, अंदरून लाहौर के इलाके अनारकली और दीगर इलाके शामिल हैं जहाँ पर बारिश हुई थी। बारिश के बाद शहर में मौसम खुशगवार हुआ है, मगर साथ ही साथ हब्स की शिदत में भी इजाफा हो चुका है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आज टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से लाहौर शहर में आज भी जारी रह सकता है। दूसरी जानब बारिश के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वासा के अमले को भी मुतहरिक कर दिया गया है और उनका मिशन जारी है। जी